हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ए ग्लास यूजिंग दिस स्क्रू मॉडिफायर। ओके, सो आई गो टू दिस वन, ये सारे डिलीट कर लेते हैं। ओके, सो अभी मैं कैसे कीबोर्ड में कीबोर्ड में मैं वन प्रेस करता हूँ और फ्रंट व्यू में आता हूँ। ग्लास मुझे ऐसे स्ट्रेट चाहिए, सो आई गो टू ऐड, कर्व में जाएंगे और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पाथ। ओके, लाइक दिस, इसको मूव कीजिए, पाथ ऐसे गिर गया है। आपको ये प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा, उसका जेड एक्सिस को 90 डिग्री कर दीजिए। दिस वन नॉट जेड एक्सिस, देखिए कौन सा एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस। ये वाई को मैं 90 कर देता हूँ ऐसे। तो ये वाले शेप को हम ग्लास का शेप देंगे। कैसे देंगे, कीबोर्ड में टैप प्रेस कीजिए, ये एज मोड का ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ऐसे लीजिए, ऐसे लाइक दिस। ओके, इसको और थोड़ा ऐसे लेते हैं, लाइक दिस। मेरा ग्लास का शेप ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। नीचे मुझे और थोड़ा पार्ट्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड में ई प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, वो शेप्स एक्सट्रूड होगा। एक बार और, एक बार ई और, एक बार ई और, एक बार ई, लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे हमने शेप को ऐसे रखा, लाइक दिस। ये दो शेप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, सब डिवाइड कर देते हैं। ओके, मैं और एक ऐसे ऐड कर देता हूँ, लाइक दिस। ओके, सो मान लीजिए मैंने ये वाला एक ग्लास का शेप बनाया, मतलब ग्लास का राइट साइड, वन साइड मैंने बनाया है। ओके, ऐसे कीबोर्ड में टैप प्रेस कर दीजिए, देखिए इस तरह का ग्लास का राइट साइड का शेप मैंने बनाया है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ मॉडिफायर में जाऊँगा, गो टू दिस मॉडिफायर, यहाँ ऐड मॉडिफायर में आप यहाँ पर सर्च कीजिए स्क्रू। यहाँ पे देखिए आपका स्क्रू है, यहाँ स्क्रू मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखिए ये जेड एक्सिस अप्रोप्रिएट नहीं है, इसमें आप एक्स टाइप करके देखिए, हाँ एक्स एक्सिस में हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड में ये सब आप चेंज कर सकते हैं, ये कुछ करना नहीं है, इसको नहीं, इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टैप प्रेस कर देंगे, कीबोर्ड में ए प्रेस करके इसको थोड़ा राइट साइड लेंगे, ताकि मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकूँ। मैं ग्लास को, ये पूरा क्लोज हो गया, ये थोड़ा ऐसे ओपन रखेंगे, ये देखिए। ओके, ये वाला पार्ट हम लोग अगर थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, ये वाला मैंने ऐसे कर दिया, थोड़ा ऐसे कर दिया। ओके, ये वाला शेप थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ओके, सो आपके पास फ्रीडम है, आप चाहें तो अपना मर्जी से अपना व्यू में जाके उसको एग्जैक्ट कर सकते हैं। ओके, मैंने ऐसे कर लिया कुछ लाइक दिस। ओके, अभी देखिए इसका थिकनेस नहीं है, ये पूरा ऐसे दिख रहा है। ओके, सबसे पहले इसका जो स्टेप्स थोड़ा बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा 100 मत कर दीजिए, स्लो हो जाएगा सिस्टम। ओके, मेरे ख्याल से 26-30 इज एनफ। ओके, लाइक दिस। अभी इसका बॉर्डर नहीं आ रहा है, मतलब थिकनेस नहीं आ रहा है, आपको और एक मॉडिफायर ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है सॉलिडिफाई। ऐड मॉडिफायर सॉलिडिफाई, आप देखिए थोड़ा सा इसका सॉलिडिफाई नीचे आ जाएगा, देखिए नीचे इसका ये वाला थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, देखिए बस। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ओके, ऑफसेट आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, ज़ीरो ये ठीक है, इसको थोड़ा, बहुत थोड़ा सा लाइक दिस, ताकि वो पतला ना दिखे। उसके बाद जब हम लोग अप्लाई करेंगे मटेरियल्स इसका एग्जैक्ट ग्लास का, तो ये पूरा रियलिस्टिक दिखेगा। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट ए ग्लास। तो ग्लास के तरह आप कोई भी ऐसे रिवॉल्विंग शेप को विजुअलाइज कर सकते हैं और इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसको ग्लास ऐसा बना के दिखाइए। थैंक यू।